दोस्तों फाइनली आईफोन को टक्कर देने के लिए इस साल सैमसंग ने अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, सैमसंग गैलेक्सी S22 को। और सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के साथ में हम आईफोन 13 प्रो एंड 13 प्रो मैक्स को कंपेयर करने वाले हैं। काफी जबरदस्त वीडियो होगी और इस बार सैमसंग ने बहुत ही कमाल का काम किया है, अपनी दो सीरीज को जोड़ दिया है और बहुत ही खतरनाक वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया। तो आप में से कुछ लोग अभी प्री ऑर्डर करने वाले होंगे, थोड़ा सा माइंड में डाउट है कि आईफोन लेना चाहिए या फिर सैमसंग का फोन, तो इस वीडियो में हम वही कंफ्यूजन दूर करेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि आईफोन 14 का वेट किया जाए या फिर आईफोन 13 प्रो या प्रो मैक्स लेना चाहिए या गैलेक्सी S22। देखो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, सारे पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिए हैं और अब कंपेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले सैमसंग की यूनिकनेस की बात करते हैं जो कि सिर्फ सैमसंग दे रहा है और आईफोन के पास बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो ये S सीरीज थी ये मेन फोकस करती थी कैमरा के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर, और हमारी नोट सीरीज का ज्यादा फोकस रहता था प्रोडक्टिविटी के ऊपर। पर इस बार सैमसंग ने ऐसा किया कि इन दोनों सीरीज को मर्ज कर दिया है और सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जो निकल के आया है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और इस बार सच में आईफोन को नेक्स्ट लेवल टक्कर देगा। नोट सीरीज में हमें ये S पेन मिलता है जो कि बहुत काम में आता है, मेरी सिस्टर स्टूडेंट को पढ़ाती है तो ये पेन उसके बहुत काम में आता है। पहले प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप S सीरीज की तरफ जाते थे तो आपको ये पेन नहीं मिलता था, पर इस बार अगर आप S22 अल्ट्रा लेते तो आपको ये पेन भी मिलेगा। पर पेन में इस बार इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा की गई है। ये जो पुराने वाला पेन है इसमें पहले लेटेंसी रहती थी 9 मिलीसेकंड की, इस बार इसे बहुत ज्यादा कम कर दिया गया, 2.8 मिलीसेकंड की आपको लेटेंसी देखने को मिलेगी जो कि एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। ऑलराइट गाइस कंपेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाते तो यहाँ पर इन्होंने जो मेन बातें हाईलाइट की हैं उनके बारे में बात करते हैं। वेलकम टू द एपिक स्टैंडर्ड्स आवर फास्टेस्ट चिप एवर। सैमसंग कहता है कि इस बार हमने जो चिप दे के रखी है वो सबसे फास्ट है पहले वाले के मुकाबले। और इस बार इन्होंने नाइट फोटोग्राफी को थोड़ा अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, नाइट फोटोग्राफी कैमरा, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने इनके सैंपल भी देखे, काफी मजा आएगा आपको, आईफोन के साथ में मैं कंपेयर करूंगा उनको। और ऑल डे बैटरी लाइफ ये भी इन्होंने थोड़ा हाईलाइट करके रखा है। इसके अलावा बिल्ड इन एस पेन, तो इस मामले में तो मैं यही कहूंगा कि डायरेक्ट क्लियर आईफोन में तो कोई स्मार्ट पेन आपको मिलता नहीं है। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं, बाकी पॉइंट बाय पॉइंट हम सारी बातें क्लियर करेंगे। डिजाइन को साइड बाय साइड देखा जाए, एक साइड हमारा आईफोन है 13 प्रो, आईफोन में हमें बैक साइड में ग्लास मिलता है और साइड में स्टेनलेस स्टील दे के रखी है। सैमसंग की बात करें तो फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस मिल जाता है, काफी सॉलिड है। और एक अच्छा पॉइंट ये कि आईफोन के सेरेमिक शील्ड में जो स्क्रैचेस आते हैं ना उस तरह के स्क्रैचेस आपको इजीली देखने को नहीं मिलते, और सेम ही बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का यूज किया गया। पर यहाँ पर जो फ्रेमिंग की गई है सैमसंग के फोन में वो एल्यूमिनियम की है, स्टेनलेस स्टील नहीं देके रखा है। प्रीमियम नेस जो है ना यहाँ पर थोड़ी कम देखने को मिलेगी। साइड फ्रेम के मामले में यहाँ पर आईफोन विनर है। अगर सैमसंग यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की तरफ जाता तो बराबरी का मुकाबला होता, और अगर ग्रेफाइट टाइप कुछ मटेरियल यूज करता तो एक कदम आगे निकल जाता। देखो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, मैं आईफोन 13 प्रो यूज करता हूँ, इसका वेट है 204 ग्राम्स जो कि मुझे काफी हैवी लगता है, थोड़ा भारी बन जाता है, साथ में केस यूज करूं तो और ज्यादा भारी हो जाते हैं। और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की वेट की बात करें, इसका वेट जैसे कि मैं यहाँ पर GS मरीना वेबसाइट के ऊपर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर 228 ग्राम से 229 ग्राम के बीच इन्होंने मेंशन किया है, तो आप देख सकते हो कितना हैवी हो जाएगा ये फोन। तो उसी वजह से इन्होंने एल्यूमिनियम फ्रेम दे के रखी है मेरे हिसाब से, अगर स्टेनलेस स्टील दे देते तो और भी हैवी हो जाता। तो यहाँ पर वेट के मामले में यही कहूंगा कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप इस फोन की तरफ जाते हो। और यहाँ पर डिजाइन में एक एडवांटेज डायरेक्ट सैमसंग की तरफ जाती है, डिस्प्ले की तरफ देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको पंच होल देखने को मिलेगा और आईफोन में नॉच देके रखी है। और एक और बात है जो कि सैमसंग को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, एज डिस्प्ले। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन हमारे IP68 रेटिंग के साथ में आते हैं, दोनों वाटरप्रूफ एंड डस्ट प्रूफ है। सैमसंग ने ना इस बार कैमरा के ऊपर काफी सोच समझ के काम किया है, डिजाइन काफी अच्छा लगा बैक साइड में कैमरा का, आईफोन का भी काफी अच्छा लगता है पर इसका मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल सा लगा। यहाँ पर मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि डिजाइन मुझे भी काफी अच्छा लगा, हार्ड और आईफोन लवर होते हुए भी लोगों मिल जाता है एप्पल का बैक साइड में तो और अच्छा रहता। सैमसंग वाले जूता भारे के फेंक के डिजाइन की बात कर ली, अब डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले में यहाँ पर रोना पड़ सकता है मुझे, पर उतना ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा भी फर्क नहीं है, पर काम बहुत अच्छा किया है इस बार सैमसंग ने। दोनों स्मार्टफोन में हमें LTPO OLED टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले मिलती है, पर आईफोन में जो एडेप्टिव रिफ्रेश रेट देके रखा है वो 10 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक जाता है जो कि ऑप्टिमाइज करता है आपकी बैटरी
बैटरी को बचाने के लिए। पर सैमसंग ने इस बार थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट को एडेप्टिव बना दिया है। मतलब जब आपकी डिस्प्ले आप स्टिल यूज कर रहे हो तो वो 1 हर्ट्ज तक चली जाएगी ऑटोमेटिक। डिस्प्ले में PPI की बात करें तो यहाँ पर भी सैमसंग आगे निकल के आता है। सैमसंग में आपको 501 PPI देखने को मिलती है और उसके साथ में यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, जैसे कि यहाँ पर कलर वॉल्यूम 100% देखने को मिलेगी, कलर्स आपको एक्यूरेट देखने को मिलेंगे। इसके साथ में एक जो एडवांस बना देते इसके डिस्प्ले को वो है यहाँ पर ब्राइटनेस नीड्स की बात करें तो 1750 यहाँ पर ब्राइटनेस नीड्स देके रखे हैं, जो कि डिस्प्ले की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। मतलब क्लियर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा स्मार्टफोन अभी तक नहीं बना है जिसमें आपको इतने ब्राइटनेस नीड्स देखने को मिलेंगे। इवन यहाँ पर मेरे पास ये जो लैपटॉप रखा हुआ है इसकी ब्राइटनेस नीड्स 1600 है, जो कि काफी ब्राइट है। आप डे लाइट में सन के बिल्कुल सामने बैठ जाओ फिर भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। सैमसंग ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर फाइनल डिसीजन मेरा निकल के ये आ रहा है कि डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर सैमसंग हमारा क्लियर विनर है, क्योंकि यहाँ पर हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है डिस्प्ले में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी सेंसर्स की बात करते हैं तो आईफोन में आपको फेस आईडी मिलती है और सैमसंग में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। तो यहाँ पर पर्सनल चॉइस है, ज्यादा रिलायबल मुझे फेस आईडी लगती है, पर कंफर्ट के मामले में इजी टू यूज मुझे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ज्यादा बेटर लगता है। बाकी आईफोन भी काफी इंप्रूवमेंट करता रहता है। अभी प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि फेस मास्क के साथ में हम इसे यूज नहीं कर पा रहे थे, तो अभी वो अपडेट आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व कर देगा एप्पल। और कनेक्टिविटी की बात करें तो सैमसंग थोड़ा यूनिवर्सल बन जाता है क्योंकि आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है और आईफोन में लाइटनिंग है, तो ये थोड़ा जैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पर अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हो तो आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, परफॉर्मेंस प्रोसेसर की बात करते हैं। सैमसंग यहाँ पर हमें दो तरह की चिप ऑफर कर रहा है, एक तो हमारी स्नैपड्रैगन 8th generation जो कि 4 nanometer बेस है और दूसरी है हमारी एक्सोनिस 2200 वो भी हमारी 4 nanometer बेस है। पर इसके साथ में जो GPU लगा है वो इस बार AMD ने बनाया, तो AMD आपको पता ही है कितनी बड़ी कंपनी है जो कि कंप्यूटर्स के प्रोसेसर बनाने में काफी आगे है। अभी स्मार्टफोन की चिप में भी ये आ चुके हैं तो पता नहीं किस तरह के हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये तो प्रैक्टिकली पता लगेगा। पर यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि इस बार इंडिया में 8th generation 4 nanometer वाले आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा इंडिया, US और चाइना में। बाकी जैसे ये बात क्लियर होती है हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। और एप्पल का तो आपको पता है अभी लेटेस्ट चला है हमारा A15 बायोनिक, तो ये तुम्हें पता है कि इंडस्ट्री लीडिंग चिप है क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छी करता है आईफोन। परफॉर्मेंस के मामले में हमें 1% भी कमी देखने को नहीं मिलती है। तो जैसा कि सैमसंग ने इस बार कहा है कि हमारा ये अब तक का सबसे फास्ट चिप होने वाली है, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इन दोनों का साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, BGMI खेलेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे, तो अभी तक हम इस मामले में नहीं कह सकते कि कौन सा बेटर है। इसके अलावा सैमसंग में आपको ऑप्शन मिल जाती है रैम सेलेक्ट करने की और आईफोन में आपको रैम सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं मिलती है। आप 1 TB स्टोरेज तक जा सकते हो दोनों वेरिएंट में, सैमसंग में भी और आईफोन में भी आप मैक्सिमम 1 TB स्टोरेज वाला डिवाइस ले सकते हो, ये तो आपकी पर्सनल नीड के ऊपर है। अब बात करता हूँ बैटरी की, तो बैटरी यहाँ पर सैमसंग में हमें 5000 mAh की मिल जाती है और आईफोन की बात करें तो आईफोन तो वैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन नहीं करता है, पर यहाँ पर जैसे गैजेट 360 वेबसाइट है तो इन्होंने मेंशन किया है आईफोन 13 प्रो की बैटरी 3095 mAh की। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंस हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, एक तरफ है 5000 और दूसरी तरफ है हमारी 3000। पर यहाँ पर मैं यही कहूंगा सैमसंग कहता है कि आपको फुल डे बैटरी लाइफ मिलेगी और आईफोन भी हमारा ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ ये भी फुल डे बैटरी निकाल के दे देता है, एक दिन से ज्यादा ही बैटरी निकाल के देता है क्योंकि इसमें ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी करके रखी है एप्पल ने। और सैमसंग ने जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस बार ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ध्यान देके रखा है, जैसे कि इन्होंने डिस्प्ले में 1 हर्ट्ज से स्टार्ट करके रखा है 1 से 120 हर्ट्ज तक, तो हो सकता है कि हमें ऑप्टिमाइजेशन अच्छी देखने को मिले। पर टेक्निकली देखा जाए तो सैमसंग ही 1 डे का क्लेम करता है, तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं होगा इन दोनों के बैटरी में। इवन मुझे अभी भी ये लगता है कि आईफोन की हल्की से हमें बैटरी लाइफ अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन पे आईफोन ज्यादा ध्यान देता है। और यहाँ पर अपडेट्स की बात करें तो सैमसंग ने कहा है कि आपको 4 साल तक हम अपडेट देंगे और आईफोन आपको पता है कि 5 से 6 साल तक अपडेट देता रहता है, 5 साल का कहता है पर फिर भी अपडेट दे देता है आगे भी 1-2 साल तक। तो यहाँ पर अपडेट्स के मामले में यहाँ पर हमारा आईफोन विनर है, 4 साल की अपडेट्स आपको इसमें मिल रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा अब कैमरा की बात करते हैं, इस बात को लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सैमसंग में यहाँ पर आपको 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 108 MP का वाइड एंगल कैमरा और 10 MP का 3x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो कैमरा लेंस और लास्ट में यहाँ पर मिलता है आपको 10x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो लेंस। आईफोन में देखा जाए तो आपको 12 मेगापिक्सल के मिलते हैं, एक हमारा अल्ट्रा वाइड है, एक हमारा वाइड है और तीसरा हमारा टेलीफोटो है। तो टेलीफोटो
मिररलेस मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है जब आप किसी का फोटो क्लिक करते हो। आईफोन में आप 3x वाला टेलीफोटो यूज कर सकते हो, पर यहाँ पर इन्होंने 10x वाला ऑप्टिकल जूम दे के रखा है, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। 10x भाई काफी दूर होता है, मतलब 10x तक आप बिल्कुल क्लियर फोटो क्लिक कर सकते हो लाइक DSLR। ये आईफोन का आप ये वाला सैंपल देख लो, एकदम DSLR की तरह इसने पूरा फोटो क्लिक किया है, जो कि हमने 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में खींचा है, और यहाँ पर तो 10x भी है और आपको 3x भी मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे इस बार कैमरा में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लग रही है कि सैमसंग ने इंप्रूवमेंट की है सच में। और यहाँ पर वीडियो में सैमसंग ने नाइट ऑफ फोटोग्राफी कहा है, तो यहाँ पर जैसे इन्होंने वीडियो सैंपल डाले अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफी ज्यादा क्लियर मुझे लग रहा है। तो ये HDR में रिकॉर्ड की गई है जहां तक मुझे फील आ रहा है इसका, क्योंकि ये लाइटिंग वगैरह को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा हमारा आईफोन भी करता है, ये आप आईफोन का सैंपल भी देख लो साइड बाय साइड। तो लो लाइट में यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि क्लोज टू आईफोन, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आईफोन के बराबर का यहाँ पर वीडियो में आ चुका है सैमसंग अब। और इसके अलावा ये एक फोटो सैंपल है, काफी अच्छा काम किया है। तो नाइट फोटोग्राफी और नाइट फोटोग्राफी मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगा, दोनों में आपको सिमिलर फीचर देखने को मिलेंगे आईफोन में भी और सैमसंग वाले में भी। फ्रंट सेल्फी, नाइट मोड, नाइटो मोड, बाकी कैमरों में भी सेम टाइप के आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पर इस बार सैमसंग ने बहुत जबरदस्त काम किया है स्टेबलाइजेशन के ऊपर। जैसे आईफोन की वीडियो आपको पता होगा कि बेस्ट मानी जाती है, कि एकदम स्टेबल वीडियो बनती है, तो उसी तरह का काम इस बार सैमसंग ने किया है। यहाँ पर इन्होंने सैंपल डाला है, तो स्टेबलाइजेशन में मुझे कोई कमी नहीं लग रही है, पर मुझे इतना फील आ रहा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा एरिया जो है ना वो क्रॉप कर दिया है, तो ये मुझे एक कमी लग रही है। और डिटेलिंग वगैरह काफी अच्छी कर दी गई है। फोटो क्लिक करते टाइम आपको 100x का स्पेस जूम मिल जाता है, तो आईफोन में क्लिक करता हूँ तो मैक्सिमम 15x तक का जूम कर पाता हूँ। तो यहाँ पर इस मामले में हमारा सैमसंग विनर है। तो फिर गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। वैसे तो ये वीडियो हमने लगभग 30 मिनट की रिकॉर्ड कर ली थी, तो बहुत कम पार्ट मैंने डाला है, वरना बहुत कुछ मैंने कंपेयर करके रखा था, पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, उस वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया इस वीडियो को। और चैनल पे इस तरह की वीडियो मैं पहली बार डाल रहा हूँ, तो थोड़ा पहले रिजल्ट देख लेते हैं आपको कैसी लगी ये वीडियो, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। हमने काफी दिल से बनाई है, काफी मेहनत लगी है। अभी एक दिन पहले ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, हमने उसी टाइम से वीडियो बनाने के ऊपर काम शुरू कर दिया था। तो अभी तक ये स्मार्टफोन इंडिया में यूट्यूबर्स के पास नहीं है, एक मैंने देखा टेक्निकल गुरुजी के पास है, बाकी किसी ने भी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बिना स्मार्टफोन के कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पर हमने फीचर्स के अकॉर्डिंग और जो सैमसंग ने प्रेजेंट किया उसके अकॉर्डिंग हमने कंपेयर किया, और आईफोन तो हमारे पास है ही, और जब फ्यूचर में अगर हमारे पास फोन आएगा तो हम जरूर एक्सपीरियंस की गई हुई कंपेयर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, सपोर्ट दिखाना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।